नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट, आपका स्वागत करते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे, जिसका नाम है एलजी जायका। तो चले कुछ अच्छा बनाने। आज हम बनाएंगे पनीर जायकेदार। जी हाँ, नाम इसका जायकेदार है, तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा स्पाइसी होगा। तो बिना आपको इंतजार कराए फटाफट रेसिपी है ये, तो आइए जानते हैं इसके फटाफट इंग्रेडिएंट्स। ये लीजिए, ये है हमारे पनीर जायकेदार के इंग्रेडिएंट। ये है तड़के के इंग्रेडिएंट, हमारे खड़े मसाले जो हम अपने ग्रेवी में यूज करेंगे, और ये है ग्रेवी के इंग्रेडिएंट। अब हम अपने पैन में तकरीबन 2 चम्मच बड़े ऑयल डाल देंगे और उसमें अपने सारे खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले वेट करें थोड़ा फूट जाए, उसका फ्लेवर तेल में मिक्स हो जाए। अब इसमें हम अपने रफली कटे प्याज भी डाल देंगे और उनको ब्राउन होने तक पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पर पकाएं जिससे वो ब्राउन हो ना कि जल जाए। हाँ, इसको ऐसे ही भूने, चलाते रहें लगातार, जिससे वो हमको मीडियम ही फ्लेम में भूनना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको प्याज को ब्राउन करना है, काले नहीं करना है। तो आराम से पकाएं, थोड़ा टाइम लगेगा। हमारे प्याज अच्छे से देखिए ब्राउन हो रहे हैं, ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम अपने जिंजर और गार्लिक के जो हमने पेस्ट बना के रखा है उसको डाल देंगे और उसको फिर इसी के साथ भूनेंगे। जिंजर गार्लिक को इतना भूने कम से कम उसके रॉनेस का फ्लेवर खत्म हो जाए। ढक के पकाने से ये प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाएगा, तो आप हो सके तो ढक के पकाएं, वरना ऐसे ही पकाएं, कोई जरूरत नहीं है। अब ये हमारा दही है, मैंने इसको बीट करके इसमें अपने सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, जिससे हमारा मसाला भी फूल जाए और साथ में डायरेक्ट हमारे ऑयल में डालने से वो मसाले जले ना। अब दही के साथ ही हम उन मसालों को भूनेंगे। इसको पका लें अच्छे से। जब हमारा ग्रेवी और ऑयल अलग अलग हो जाएगा तब उसके बाद थोड़ा सा हम 2-5 सेकंड के लिए और थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसमें हम इतना पानी डालेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहें जिससे हमारा ये ग्रेवी स्टिक ना हो पैन में और जले ना। आप थोड़ी देर पे नोटिस करोगे कि आपकी ग्रेवी और ऑयल अलग होने लगेगी। अब इसमें हमने अपना टमाटो प्यूरी पहले से बना के रखा था उसको डाल दिया है, उसको भी ऐसे ही भूनेंगे। प्यूरी आप चाहे तो उबाल के बना सकते हैं या ऐसे ही पीस सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसे ही पीस लें, थोड़ा आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, उबालने का झंझट भी नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके अब हम भूनेंगे, क्योंकि मसाले हमने पहले ही दही में डाल दिए थे, इसलिए अब मसाले की कोई जरूरत नहीं है। जब ऑयल और आपका ग्रेवी अलग होने लगे तो समझ लीजिए आपकी ग्रेवी ये हो गई है। ये लीजिए हमारी ग्रेवी लगभग हो गई, इसको 5 सेकंड तक हम और भूनेंगे। ये भूनने का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा ज्यादा भूने, हाँ मीडियम फ्लेम पे भूने, तेज फ्लेम पे नहीं। जब ऑयल अच्छे से अलग हो जाए अपने ग्रेवी से तब इसमें हम अपना पानी डालेंगे। ये लीजिए लगभग तैयार है। अब इसमें हम तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी डालेंगे, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा रसेदार पसंद है तो आप थोड़ा पानी ज्यादा डालें, अगर कम पसंद है तो कम डालें। मुझे हल्का सा रसेदार पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा 2 कप के आसपास डाल रहा हूँ, आप 1 ही कप डालना, ये हल्की लुटपुटेदार होगी तब और अच्छा लगता है। अब हमने पनीर के क्यूब्स डाल दिए रहे हैं इसमें, क्योंकि जो हमने पहले लंबे लंबे काट के रखे हुए थे, इसको थोड़ा पहले ग्रेवी के साथ ही डाल दें, जिससे पनीर ग्रेवी का फ्लेवर भी अब्सॉर्ब कर ले और साथ में सॉफ्ट भी हो जाए। ये लीजिए लगभग तैयार है हमारी पनीर जायकेदार। ये हो गई हमारी पनीर जायकेदार। लास्ट में थोड़ा सा धनिया डाल करके सर्व करें, गरम गरम खाएं पराठों के संग। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी पनीर जायकेदार ने लास्ट में। ये लीजिए बन गई हमारी पनीर जायकेदार। क्यों लग रही है ना जायकेदार? लाल मिर्च, दही और कुछ गरम मसालों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली ये रेसिपी आपको खाने में और बनाने में दोनों मजा आएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस चैनल के अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और याद रखिएगा अगर कुछ अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है। नमस्कार।